हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गोमे सीजंस। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी इटालियन डिश बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नोकी। सो नोकी विद इट्स बेसिकली अ नोकी बेक विद चोरिजो एंड सम बफेलो मोत्सरेला। सो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सम चॉप टोमेटोज अबाउट 2 cups, चॉप पार्सली फॉर 1/2 cup, 1 cup ऑफ चॉप डाइस्ड अनियंस, and some that's 2 tablespoons of chopped garlic, and these are chorizo, these are Italian sausages. It's a bit spicy but they're really nice when you cook it, and this is buffalo mozzarella. It's really soft, and we're just gonna put it on top. Agar aapke paas buffalo mozzarella nahi milti hai, then you can use normal regular mozzarella. और ये नोकी बनाने के लिए हमें एक एग योक चाहिए होगा और सम फ्लावर। तो ये मैदा है, प्लेन मैदा, और यहाँ पे मैंने आलू रख दिए, करीब 4 आलू डाइस करके इसको बॉईल करने रख दिए, जो कि अभी बॉईल हो गए हैं। तो इसको मैं स्ट्रेन कर दूंगा, करने के बाद हम इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब आपको नोकी बनानी है। नोकी के लिए हमें बॉयल्ड पोटेटोस चाहिए, मैदा चाहिए और एक एग योक चाहिए। इसको मैं पहले मैश करूंगा अच्छे से। नोकी को जो है हम बॉईल करेंगे बनाने के बाद। इसके अंदर मैं मैदा और अंडा मिक्स करके इसका एक डो बनाऊंगा। डो बना के इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के वी हैव टू बॉईल इट। फिर वो एक डम्पलिंग्स सी बन जाएंगी आलू की, जो कि हम सॉस के अंदर उसको टॉस करके विल मेक इट। हमने पोटैटो का मैश बना लिया, इट्स वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड इट्स हॉट। और आपको इसको गर्म में ही इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बाकी के ऐड करने हैं। पहले मैं एक एग योक इसमें ऐड करता हूँ, इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, और इसी में मैं मैदा ऐड कर लूंगा। इसका हमने एक डो बनाना है, बहुत ज्यादा मैदा नहीं डालना है बट बहुत कम भी नहीं, जस्ट इनफ ताकि जब आप इसको पानी में बॉईल करेंगे तो ये खुले ना, कंबाइन हो जाए। तो अब ये डो बना लिया मैंने नोकी के लिए, तो इसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आई हैव टू रोल इट लाइक अ पिन। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करूंगा। यहाँ पे मैंने पॉट में पानी रख लिया ताकि मैं इसमें बॉईल करूँ। तो इसको लेके आपको इस पर जो है रोल करना है, इसको पतला करना है। इस तरह से आप इसकी जो है रोल करके इसको आप ऐसे रखते जाइए। ओके, सो रोल करने के बाद आप नाइफ लीजिए, नाइफ से इसको छोटे छोटे डम्पलिंग्स में ऐसे कट कर दीजिए। नोकी जो है छोटी छोटी ऐसे काट ली है, अब इसको मैं बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको ऐड करूंगा। जस्ट बी केयरफुल कि पानी आपके मुंह पे ना आए, इट्स रियली हॉट। अब ये देख रहे हैं हम नोकी सारी ऊपर फ्लोट करने लग गई है, दैट मीन्स इट्स वेल कुक्ड। तो इसको अब हम जो है स्ट्रेन कर लेंगे। Alright guys, so अब नोकी के लिए हम जो है सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ऑलिव ऑयल, फिर डालेंगे चोरिजो। चोरिजो का आपको थोड़ा सा कुक करना है, वैसे तो ये कुक है पर इसको थोड़ा और आप पैन में फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर और ऑयल और भी अच्छा निकल के आएगा। तो ये चोरिजो हो गई, इसके अंदर अब हम अनियन ऐड करेंगे और गार्लिक। अनियंस के गार्लिक के बाद हम इसमें थोड़ा ड्राई हर्ब्स डालेंगे। आप चाहें तो फ्रेश हर्ब्स भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ड्राई यूज कर रहा हूँ। और चोरिजो की जगह चोरिजो इज ऑल्सो ऑप्शनल, तो आपको अगर वेजिटेरियन बनाना है तो यू डोंट हैव टू ऐड चोरिजो टू इट। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें क्रश टमेटोज डालूंगा। चिकन स्टॉक
स्मोक पैप्रिका, सॉल्ट ऐड करेंगे, जस्ट हैव टू गिव इट अ बॉयल। ओके सो ये सॉस हमारी रिड्यूस हो गई है, अब इसके अंदर मैं ये नौकी ऐड करता हूँ एंड जस्ट हैव टू टॉस इट अ बिट। थोड़ा चॉप पार्सली, और इसको आपने है बेसिकली ऐसे ही रखना है एंड जस्ट रिड्यूस द फ्लेम। और इसके ऊपर से हम जो बफलो मोजरेला जो है वो हम इसके ऊपर से ऐसे लाए ले कर देंगे चॉप पार्सली। गैस से ये नोकी चोरिज़ो बेक इज ऑलमोस्ट रेडी, सो वी जस्ट गोइंग टू सर्व इट। Chorizo and gnocchi bake. So I hope you like this recipe, and if you like it then do let me know, and see you next time. Happy cooking.